स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी में। अभी हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के कुरावली मंडी में आए हैं। यहाँ पर आज आमदनी बहुत ही कम लग रही है, 30 से 40 मोटर आमदनी आती है। आज आमदनी होगी लगभग 5 से 10 मोटर। लगातार 3 दिनों से हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसकी वजह से किसान आलू की खुदाई नहीं कर पा रहे हैं और आलू में कुछ आलू महंगा हुआ या सस्ता हुआ, अभी हम आड़ती या किसान भाई से बात करेंगे, आलू क्या रेट चल रहा है व आलू की समस्त जानकारी आपको देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। आज इस कुराली मंडी में लगभग आमदनी कितनी रही होगी? आमदनी बहुत कम है, 8 से 10 मोटर के बीच में होगी। 8 से 10 मोटर के बीच है। जी, आज आलू कीमत क्या रही, क्या रेट बिका है? बम्पर तेजी है आज, खराब से खराब आलू। जो कल आलू बिके थे 220-225 रुपए के, वो 260-270 रुपए मन के बिके हैं। जो 300-325 के बिके थे, वो आलू 340-350-60 रुपए तक आलू बिका है। अच्छा आलू 60 रुपए मन तक। जी हाँ। और आज आमदनी? आमदनी बताया तो 8 से 10 मीटर के बीच में ही होगी। 8 से 10 मीटर के बीच। जी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो लगातार 3 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, आज थोड़ा मौसम साफ है, इसका कोई ऊपर मंडी में तेजी है इस वजह से आलू महंगाई है या बारिश की वजह से है? महंगाई देखिए भैया, ऊपर तो तेजी बनेगी, आज बनेगी कल बनेगी वो अलग चीज़ है। महंगाई सिर्फ बारिश की वजह से है, क्योंकि जितनी मोटी मिट्टी के आलू हैं वो खुद नहीं पाएंगे, आज नहीं 2-3 दिन और नहीं खुद पाएंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ भी कीचड़ भरा हुआ है, ऐसे ही खेतों में भरा होगा। ये आलू जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये तो कट पीस है। हाँ, ये जो आलू है, ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं, ये आलू 341 रुपये मन बिका है। 341 रुपये मन। जी, एक मन में 42.5 जी जी होता है। जी, और ये 341 रुपये मन बिका है। कुरावली मंडी, ये मैनपुरी जिला का आज का आलू का भाव है। और स्टोर की अगर बात की जाए, स्टोर भी आपके तरफ खुलने स्टार्ट हो गए या नहीं? हाँ, खुल गए सारे के स्टोर, और सारे कोल्ड स्टोर का मुहूर्त हो गया है। अभी आलू नहीं पहुँचा है, लेकिन मुहूर्त हो गया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप ये आलू किस जगह से लेके आए? नगलाचल से। नगलाचल से। कौन सा आलू था आपका ये? ख्याति। ख्याति आलू था। हाँ। ये नगलाचल में आलू खुदाई कितने परसेंट हो गई होगी? 80%। 80% खुदाई हो गई। हाँ। तो पक्की सीजन आलू आपके तरफ कम किया जाता है। हाँ। और अगर कच्ची सीजन की बात की जाए, तो पिछली साल से आलू की इस साल खुदाई ज्यादा हुई है कम हुई है? खुदाई कम हुई, लेकिन निकला कम है। कम निकला है, पैदावार बहुत कम है। और जो आज ये कल और परसों जो बारिश हुई थी हल्की हल्की, उसकी वजह से झुलसा पे या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और या आलू पैदावार पे कोई नुकसान रहेगा या कोई इश्यू नहीं? अब क्या नुकसान रहेगा, बेन चलेंगी। हाँ, अब हाँ, अब तो नुकसान कुछ ना है, अब नहीं नुकसान होगा कुछ। अभी हमने कुलदीप सिंह लोधी जी से बात की और इन्होंने आलू का भाव बताया है 300 रुपये से लेकर 360 रुपये मन तक, और आज आलू में 50 से 60 रुपये मन की बढ़ोतरी हुई है। और ये 3 दिनों से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसके वजह से आज मंडी में आवक बहुत ही कम है, लगभग 8 से 10 मोटर होगी, और उसकी वजह से आज आलू में 50 रुपये मन की तेज़ी देखने को मिली है। अभी हम कहीं और दूसरी जगह जाके किसानों से बात करेंगे आज आलू और आलू में, और उसके आलू के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहित पांडे। आप ये आलू किस जगह से लेके आए? खटाना गांव से। खटाना गांव से। हाँ। और ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं आलू, ये तुलाई चल रही है। हाँ। ये क्या रेट आलू दिखा रहे हैं आपका? 301 रुपये। 301 रुपये मन। हाँ। एक मन में 45.5 किलो आलू बिकता है। ये आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के कुरावली मंडी का भाव है। हाँ। आपके क्षेत्र में अगर आलू की बात की जाए, कितने परसेंट खुदाई हो गई होगी? भाई ये लगभग 20-25% 20 से 25% खुदाई हो गई। हाँ। और इस साल जो अभी ये पक्की सीजन की आलू खुदाई स्टार्ट हो गई या कच्ची? अभी तो कच्ची चल रही है, पक्की तो स्टार्ट होगी 2-4 दिन बाद। कच्ची चल रही है। हाँ। अगर कच्ची सीजन के आलू की बात की जाए, तो पिछली साल की अपेक्षा इस साल आलू खुदाई ज्यादा हुई, परसेंट के हिसाब से कम हुई? कम हुई है। कम। कितने परसेंट कम होगी कच्ची सीजन खुदाई? कम से कम 30% कम हुई है। 20% 30% कम हुई है। 30% कम हुई है। हाँ। और पैदावार कैसी क्या है? पैदावार नॉर्मल है, 40-45 पैकेट की। 40 से 45। अगर ऑल ओवर पैदावार की बात की जाए, तो कितने परसेंट कम होगी इस साल 2023 की अपेक्षा 2024 में? ऑल ओवर परसेंटेज तो कम है,
10-15% कम है। और क्षेत्रफल में भी कुछ कम होगा? क्षेत्रफल कोई कमी नहीं है, क्षेत्रफल लगभग बराबर है पिछली साल। हाँ हाँ, जैसे हर साल आप स्टोर में आलू रखते हो, हाँ, इस साल आपका पिछली साल से ज्यादा रखने का मन है या कम रखने का मन है, ये आप बताइए। ज्यादा ज्यादा रखोगे? हाँ। तो स्टोर की अगर देखा जाए 2024 की साल में लगातार 3 वर्षों से किसानों को नुकसान हो रहा है आलू में, तो इस साल क्या किसान उम्मीद कर रहे हैं, भाव मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? भाई नॉर्मल रेट रहे, 600-700 रुपये, ज़्यादा ना बेचिए। जैसे कई चैनल वाले बता रहे हैं इस साल भाव बन गया है 1500 रुपये, से लोग 2000 रुपये इकट्ठे तक रहेगा। चूतिया फनती है, सब बेकारी बातें हैं, बेकारी बातें हैं सब जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान को कोई बताना चाहते हो? आलू किसान जो नुकसान में रहते हैं पिछली 3 सालों से, किसान को ये बताना चाह रहे हैं हम कि किसान के पास अगर पैसा होए पास में तो कोल्ड में रखे, और फांसी लगाओ चाहे किसान तो आलू बेच ले कोल्ड में रखे, अगर रखो चाहे जो पैसा हो तो रख दे, और न रखे तो जब पैसा पास ना हो तो न रखे। जैसे पिछली साल आपने कितना आलू रखा था? पिछली साल मात्र 850 पैकेट। मात्र 850 पैकेट? हाँ। तो आपको उसमें फायदा रहता है नुकसान रहता है? अरे वो तो हमारे पूरा गड़ गया था ना, खेत में गड़ गया था, 850 पैकेट गड़ गए। हाँ। तो आप कितना आलू करते हो? हम 100 बीघा। 100 बीघा आलू करते हो? हाँ। इस साल कितने रखोगे? इस साल लगभग 2500-3000 बोरी, 2500 से 3000 कट्टे। तो इस साल ये जो मैनपुरी जिला है इसमें स्टोर, पिछली साल तो लाइन लगी थी स्टोरों में, कई जगह हमने देखी थी, और हमारे यहाँ के आलू कई किसानों के रख नहीं पाए थे तो बाहर ले गए सिरसागंज या फिरोजाबाद जिले में रखने। तो इस साल क्या वैसी स्थिति हो सकती है? कोई स्थिति नहीं, नॉर्मली रखा जाएगा, अपने लोकल क्षेत्र में रखा जाएगा। कोल्ड बढ़ चुके हैं, चार कोल्ड तो सामने बड़े हुए हैं, चार कोल्ड से भगवान और कुरौली के क्षेत्र में ही बड़े हैं। हाँ। और आपको लगभग मालूम होगा मैनपुरी जिले में कितने कोल्ड होंगे? मैनपुरी जिले में कम से कम 25 कोल्ड, तो 25-30 कोल्ड लगभग होंगे। 25-30 नहीं, लगभग 60-65 कोल्ड है मैनपुरी। अच्छा, तो हमें फुल जानकारी नहीं है। और आप कौन कौन सी वैरायटी का आलू करते हो ज़्यादा? वैरायटी जो आती है और क्या नाम जो पुकराज वगैरह यही करते हैं हाइब्रिड में। जैसे आलू किसानों अभी आगरा में जेपी होटल में इंटरनेशनल पोटैटो पायर सेलर मीट हुई थी 3 से 4 फरवरी को, उससे किसानों को फायदा रहेगा कुछ? क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? उसके बारे में क्या हुआ था मैनपुरी में? आगरा जिले के जेपी होटल में जी इंटरनेशनल पोटैटो पायर सेलर की मीट हुई थी 3 से 4 फरवरी को, तो कई किसान वहाँ पर अपना आलू लेके गए थे, उन्होंने दिखाया था जाके किसानों वहाँ, व्यापारी विदेश से कुछ व्यापारी आए थे इस मीटिंग से, या पिछली साल भी मीटिंग हुई थी, ऐसी मीटिंगों से किसानों को क्या कितना फ़ायदा हो सकता है? किसानों को उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, जो है किसान को मतलब मनोबल उसका थोड़ा उठ जाता, और कुछ नहीं होता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है उससे, किसानों को कुछ नहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा केवल रेट बाहर से जब डिमांड होगी तभी उसको फ़ायदा होगा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हाइब्रिड आलू होता है, और पिछली साल हाइब्रिड जो ख्याति पुराज आलू है उन किसानों को नुकसान रहा था, जो अच्छे आलू करने वाले 97-97 चिपसोना या AK सिंह या जो ज्योति या सूर्या आलू करते हैं उनको फ़ायदा, उनको नुकसान नहीं हुआ था? उनको नुकसान होगा ही नहीं, मद्दा में भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्वालिटी दार आलू होता है, वो कोल्ड में रखा जाता है, वो मद्दा में मद्दा में कम से कम 500-600 रुपये पैकेट बेचता ही है। तो उनके बारे में और ये क्या आप कहोगे, क्या आलू जो करते हैं वो स्टोर में उनको लगभग हर साल ही नुकसान हो जाता है? उनको हर साल होता है, और उसमें क्या बात है, ये इसमें नुकसान इसलिए होता है कि जिसमें रोग लग जाता ना, रोग उस आलू को कोई पूछता नहीं है, अपने यहाँ या बाहर कहीं पूछता नहीं है, और जो चिप्सोना वगैरह से पिसाने वाले आलू हैं, जो नंबर 1 के आलू हैं वो मध्य में बेचते हैं। ये 3 और 4 फरवरी को बारिश हुई थी, तो उस बारिश हल्की बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जो पिछहती आलू हैं या और आलू हैं उसकी वजह से कितना नुकसान होगा आलू में? अब इस बारिश से 4 फरवरी की बारिश से कोई नुकसान नहीं है, इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन अंसारी। आपकी फर्म का क्या नाम है? अंसारी ट्रेडिंग कंपनी। ये जो हम वीडियो में आलू दिखा रहे हैं आज, हाँ, ये आपने आज क्या रेट बेचा है? 311 रुपया। 311 रुपये मंडी।
और आज मंडी में आमदनी लगभग कितनी होगी? होगी 10 मोटर की। 10 मोटर की, हाँ। रिश्तेदार है तो सही है, तो क्या बात है। 10 मोटर की होगी, हाँ। अगर रेट की बात की जाए तो कल की अपेक्षा रेट कुछ बढ़े या कम हुए? कल से कुछ टाइट रहे। कितने रुपए मन की? ऐसे मान ले 20-25 रुपए मन। 20-25 रुपए मन की, हाँ। कल क्या रेट तक बिका था? कल बिका था ऊंचे में 320 रुपया तक। आज अगर नीचे और हाईएस्ट की बात की जाए तो क्या रेट तक? क्या क्या 200 रुपया से लेके 340 रुपया तक। 340 रुपये मन तक, हाँ। ये जो बारिश हुई है कल परसों दो दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसी की वजह है? उसकी वजह से अब मंडियों में ऊपर से कोई नहीं, इसी की वजह से पानी आलू कम आवक आई है, हाँ। और इससे फसल पे कोई नुकसान होगा? आलू कोई नुकसान नहीं आलू का भी। नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उमेश चंद। आप ये आलू किस गांव से लेके आए? नदराला। नदराले जी। ये कहाँ लगता है, किस जिले में? जिला एटा में। एटा जिले में लगता है ये आपका? क्या रेट आलू बिका? 325। 325 रुपये मन। एक मन में लगभग 40 किलो आलू होता है। कौन सा आलू था ये आपका? वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, ये खाया थी आलू था, हाँ। कितने कट्टे बीघे निकला है आलू? ये करीब 50 से पार निकला। 50 कट्टे से। और ये जो बारिश हुई है कल और परसों हल्की हल्की, दो दिन बारिश हुई, इसकी वजह से आलू फसल पे कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। आपके क्षेत्र में जो नजराले एटा जिला में पड़ता है उसमें उधर कौन कौन सी आलू वैरायटी लगाई जाती है? ये वैरायटी ज्यादा है आती। और 37-97 नहीं। लाल आलू? लाल है। लाल आलू कौन सी कौन सा लगता है? बहुत लॉकर है, हॉलैंड है। जो बारिश हुई है उसके वजह से खुदाई पे कुछ असर पड़ेगा कुछ? हाँ, जो कर रही खेत है वो नहीं खुद रहे। जो मोटी मिट्टी, हाँ हाँ, वो नहीं खुद रहे। जो रेतीली है वो खुद रहे। और अगर ऑल ओवर बात की जाए पैदावार की आपके क्षेत्र में, तो आलू की पैदावार कैसी है? कम निकल रही है इन साल, 40-45 नहीं, अगर 40-45 कट्टे लिए निकल रहा है, हाँ। तो पिछली साल से कितने परसेंट कम होगी? कम से कम 20%। पिछली साल 60-65-70 का निकला। जो हर साल कच्ची सीजन खुदाई होती है, जो अभी आपका आलू लेके आए कच्ची सीजन का ही आलू है, हाँ। तो कच्ची सीजन की अगर खुदाई देखी जाए तो पिछली साल से कम हुई है या ज्यादा हुई है? पिछली साल से कम, कच्ची नहीं, अभी पक्की है। पक्की है, हाँ। नहीं, अगर कच्ची सीजन का आलू अगर पूछा जाए तो इस साल कम खुदाई हुई? कम भी 20 का निकला, 20 का 15 का। नहीं, खुदाई कम हुई है ज्यादा ये पूछ रहे हैं? कच्ची बहुत खुदाई हुई है, हर साल बराबर ही है। हाँ, बराबर ज्यादा हुई है इन साल, ज्यादा हुई है। और स्टोर वगैरह क्या कैसी स्थिति रही है? स्टोर खुल पाई? किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं, स्टोर में रखने का मन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं इस साल? अब देखो भाई, भाई के ऊपर है। जैसे जो किसान भाई हैं आलू करते हैं, हाँ। तो इस साल 2024 के साल में इस साल स्टोर में रखने का मूड बना रहे हैं या फिर नहीं? रखने का भी है, बेचने का भी है। रखने का नहीं, जैसे आप पिछली साल से ज्यादा रखोगे या कम रखोगे आलू? पिछली साल से ज्यादा। पिछली साल से ज्यादा रखोगे? पिछली साल आपने कितना रखा था आलू? करीब रखा 40 पैकेट। 40 पैकेट इस साल ज्यादा रखा। आज 6 फरवरी 2024 को हम कुरावली मंडी में आए हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया, किसानों से बात की, आलू क्या रेट बिक रहा था। आज आलू लगभग 200 रुपये मन से लेके 340 रुपये मन तक बिका है, और आज आलू में 50 रुपये मन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो दो दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से खुदाई कम हो रही है, खेत गीले हो गए हैं, इसकी वजह से आलू में आज 50 रुपये मन की तेज़ी है। और हमारे दर्शक लोग पूछते हैं कि एक बीघा में कितना होता है, तो हम उनको बताना चाहेंगे, एक बीघा में 8700 वर्ग फुट होता है, 8700 स्क्वायर फीट। और हर जगह का बीघा अलग, एक बीघा अलग होता है। जैसे आगरा क्षेत्र में लोग ज़्यादा का बीघा होता है, जो हम अपने क्षेत्र के जब वीडियो बनाते हैं उसका हम आपको बताएंगे कि 8700 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है। इसी प्रकार की आलू की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को आलू की सही जानकारी मिल सके।